वेलकम टू सजीर ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं लगभग 6 बजने को आया और इतना कुहासा है देखो और इतना स्वीट पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जैसे कि आया हूँ टोल टैक्स ढूंढने वाले हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से एक झारखंड ज़िला और जैसे कि साहिबगंज के आसपास में वहाँ एक हम लोग का मोती झरना है। तो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे मोती झरना अगर हम लोग वेस्ट बंगाल से जाते हैं तो कैसे जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस मोती झरना तो आप लोग काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे बट ये जो वीडियो है अलग है, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाएंगे क्या क्या जगह दिया गया है और वहाँ जो जगह है देखने में लायक क्या क्या है सब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। हेलो सो गाइस अभी हम लोग फरक्का ब्रिज पर हूँ और फरक्का ब्रिज से हम लोग लगभग आधा घंटा लगेगा पार होने में। तो फरक्का ब्रिज पार होके हम लोग जाएंगे और यहाँ का जो वीडियो शूट हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि फरक्का जो ब्रिज है ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, किसी भी आदमी ने इसका शूट करके वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला है। तो आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता बट यहाँ आप लोगों को महसूस करा सकता हूँ कि ये जो जगह है फरक्का ब्रिज है। तो चलिए ब्रिज पार होने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे का सीन आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो सो गाइस 6:28 हुआ है और फरक्का पार होके हम लोगों का गाड़ी पंचर हो गया है। तो चलो स्टेपनी लाया है इसको खोल के अभी एक्सचेंज करेगा। जीशान रेडी है, फरीन रेडी है, ठीक है, हाय बोलो। साहिल भी रेडी है। हेलो सो गाइस 7:49 पर अभी हम लोग का गाड़ी ठीक हुआ है और हम लोग अभी निकल रहा हूँ। अब जाने में कितना टाइम लगेगा हम लोग को पता नहीं, तो चलो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। आ चुके हूँ और हम लोग का गाड़ी अभी पार्किंग हो रहा है। तो सभी भी देखो अतिकुल भाई भी मुझे लेने के लिए आया है। तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर आपका घर है भैया? वही 26-27 किलोमीटर। तो मैं कल ये फ़ोन किया था, कल नहीं 6 महीने पहले फ़ोन किया था कि हम मोती झरना, बट कुछ कारण से आ नहीं पा रहा था। अतिकुल भाई से कल ही रात को कॉल किया था और हम लोग आएंगे। अभी हम लोग फैमिली पैक आया हूँ और यहाँ का मौसम जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए।
तो गाइस ये है अतिकुल भाई, राजमहल घर से है और राजमहल से है तीन पहाड़ राजमहल। तो अतिकुल भाई हमारे व्यूअर के लिए बताइए यहाँ क्या क्या जगह है सब बताइए। देखिए यहाँ आदमी दूर दूर से आता है यहाँ घूमने के लिए, ये जगह लोगों को पसंद आता है, काफ़ी अच्छा जगह है। मोती झरना मशहूर नाम है जगह का, आदमी भारत से क्या विदेश से भी आते हैं यहाँ घूमने के लिए, घूम घूम के जाते हैं, सबको अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा जगह है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का सबसे फेमस चीज़ क्या है? फेमस चीज़, फेमस घूमने के लिए सबसे अच्छा मोती झरना है, मोती झरना है घूमने के लिए सबसे अच्छा मोती झरना है। और भी है ऐतिहासिक जगह जो जामा मस्जिद है, हाँ आपका राजमहल में सिंगी दलान है, वो सब काफ़ी अच्छा जगह वो भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे मोती झील, मोती झरना। जी हाँ चलिए। तो गाइस अभी हम लोग प्रवेश कर रहा हूँ मोती झरना के गेट है, ये यही सबसे फेमस है। देखो यहाँ मयूर है और सांप पेड़ पर लगा हुआ है और ये मेन गेट है, ये देखिए हाथी। यहाँ भी हाथी है देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जगह बहुत पुराना है, लगभग कितने दिन पहले ये बनाया था भैया? 5 साल। तो ये गेट जो है 5 साल पहले का बना हुआ गया है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ तक हम लोगों का बहुत ही बुरा हालत है और अभी तो ऊपर भी नहीं आया हूँ। Oh,
यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अब थोड़ा नीचे जाएंगे, मोती झरना जो है हाँ बोलिए। यहाँ बहुत ही ठंडी मौसम है और ठंडी का जो मौसम है ना, ठंडी का मौसम में यहाँ लाने का मन नहीं करेगा, बहुत ठंडा है, लेकिन गर्मी के टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ झरना। झरना जो स्थल है, हम लोग आ चुके हूँ और आप लोगों को झरना दिखाता हूँ। अभी पानी बहुत कम चल रहा है। तो गाइस फाइनल हम लोग आ चुके हूँ झरना तले, और ये झरना का पानी है। अभी झरना बहुत ही हेलो। सो गाइस यहाँ गुफा के अंदर एक मंदिर किया गया है,
सभी आदमी आते हैं, इसके दर्शन करते हैं और ये नीचे है गुफा के अंदर। We'll be right back.
चलिए आज साहेबगंज आ चुकी हूँ और साहेबगंज का जो हम लोग का बहुत बड़ा पार्क है तो चलिए वहाँ आपको दिखाता हूँ। हेलो सो गाइस, अभी हम लोग आया है साहेबगंज का पार्क पर और जो मोती झरना है वहाँ से हम लोग निकल गए और यहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगा काफ़ी सारे नज़ारा बहुत अच्छा है। जो साहेबगंज का जैसे कि पार्क है, साहेबगंज से जो पार्क है बहुत अच्छा है और आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम लोग आया है लहट पर, एक जामा मस्जिद है, चलो वहाँ जाते हैं और वहाँ क्या लगता है, कैसा लगता है सब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, रोड के पास ही है तो चलिए जाते हैं। गाइस, यह ऐतिहासिक जगह है,
अकबर के अमल का है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग जाएंगे। यहाँ पानी पानी है गाइस, यहाँ झील है, बहुत ही खूबसूरत वाला झील। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए मगरमच्छ है। हाँ, इसमें सुना है कि कुछ मगरमच्छ भी यहाँ निकलता है गाइस, ठीक है। मगरमच्छ भी होता है कि इस झील में, जो कुमीर हम लोग बोलते हैं, मगरमच्छ बोलते हैं हिंदी में। हरिन भी थोड़ा एंजॉय कर रहा है और हम लोग भी कर रहा हूँ, तो चलो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। बरादरी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है ऊपर और इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। जिसान गाड़ी में सूत गया है और जिसान अभी आया नहीं है। यहाँ चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, झील है, ठीक है। थोड़ा ऊपर से आप लोगों को दिखाऊंगा। ए छोटकी इधर आ, ऊपर आ जा। फरीन हर जगह पर है। ए छोटू पकड़ो तो इसको, ए छोटू हाथ दो, उसको हाथ दो। बस मुझे कौन देगा, ए मुझे कौन देगा। बस जा, देखो लड़के लोग बहुत मजा कर रहा है। इधर 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 उधर से चलो ना। जाएंगे रूम के अंदर भी जाएंगे। चारों तरफ झील है और बीच पर ये घर है, ठीक है। फरीन तो अकेला अकेला मजा ले रहा है। अरे विजया कहाँ जाएगा, अच्छा घर के अंदर घुसेंगे, चल इधर 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 बैठे, चलो देखो फरीन का नज़ारा देखो, चलो उसके अंदर चलो। बहुत ही इंजॉय कर रहा है बिटिया, बहुत ही इंजॉय कर रहा है। और अभी हम भी थोड़ा इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, ठीक है। ए छुटकी चलो रूम के अंदर जाते हैं, रूम के अंदर दिवस किया। और हम लोग का जो मालदा गौड़ है उसी तरह बिल्कुल है, लेकिन अलग अलग, यार बहुत छोटा है, ठीक है। देखिए ये छोटा है, बट हम लोगों का मालदा गौड़ जो है बिल्कुल उसी तरह है।
पहले यहाँ टॉयलेट वगैरह सारा दिखाता हूँ इस पार्क की। जो ये जो पेड़ है और यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कुछ रास्ता वगैरह, देखिए नीचे। और बहुत ही हवा चल रहा है यहाँ, बहुत ही ठंडी हवा है, बहुत ही ठंडी हवा। देखो देखो छोटकी, देखो देखो, हाँ गए थे, बस होगी, आओ आओ यहाँ से निकल। अरे चल ना, देखो उसका नज़ारा देखो, वो नटखटी क्या कर रहा है। साहिल गुरे, हाँ साहिल आ, चलिए अब यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग अभी निकल जाएंगे। हाँ तो चलिए, थैंक यू। यहाँ से अब हम लोग निकल जाएंगे और एक जगह है वहाँ भी आप लोगों को ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए गाइस। फिर एक नया जगह में अभी जा रहा हूँ और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ आज़ादी का क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, तो गाइस देखिए फाइनल आ चुकी हूँ इस जगह पर। और ये जो जगह है यहाँ क्या लिखा है देखिए, आज़ादी का, मुझे हिंदी नहीं आता है, चलिए आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोगों को दिखाया यहाँ का जगह भी बहुत अच्छा है, अगर आप लोग मोती झरना आते हो तो ये जगह भी आ सकते हो, उसी रास्ते में पड़ता है। क्या चुटकी, क्या कहाँ जाएंगे? ओ बैठे, चुटकी बोल रहा है कि वहाँ बैठेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहाँ जितना भी है सब दिखा दिया। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहे और भी हम लोग आगे आप लोगों को हो सके कुछ दिखाएंगे, बट यहाँ से अगर हम लोग घर चल जाते हैं तो ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अगर हम लोग आगे कुछ वीडियो शूट करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। चलो चलो हो गया, चलो।
अतिकुल जो भाई है मेरा बहुत ही मदद किया, और जितना भी रास्ता आप लोगों को देखा सब अतिकुल भाई दिखाया। अभी उसका घर जो है, अभी उसका घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका घर में अभी हम लोग चाय वाय पियेंगे फिर निकल जाएंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ आया हम लोग, बहुत टिफिन किया और जैसे कि एक घंटा हमने यहाँ रुका और बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से हम लोग ब्लॉग ख़त्म करते हैं और अभी चल जाएंगे घर, और रात की वक्त हो गया है, रात हो जाएगा चलते चलते, तो आगे वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग को वीडियो और शूट करके नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक ब्लॉग चैनल के साथ।